الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فقال أبو ذر رضي الله عنه خابوا وخسروا من هم يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام المسبل إزاره والمنان والمنفق سلعته بالحلف الفاجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگو اور بھائیو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ مبارک حدیث آج کے اس بگڑے ہوئے ماحول میں جبکہ دین کا جذبہ ہمارے اندر سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے اسلام کی تعلیمات کی اہمیت دل سے نکلتی چلی جا رہی ہے اور برائیوں کی طرف رغبت کا عام ماحول بنتا چلا جا رہا ہے اس پس منظر میں اللہ کے نبی کی یہ مبارک حدیث ہمارے لیے بہت ہی قابل غور ہے اور ڈرانے اور چونکانے والی ہے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ ارشاد فرمایا آخرت میں تین قسم کے لوگ ایسے ہیں ثلاثۃ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ اللہ تعالی قیامت کے دن محشر کے میدان میں ان کے ساتھ محبت کی گفتگو نہیں فرمائیں گے ولا ینظر الیہم اور ان کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے ولا یزکیہم اور ان کو گناہ سے پاک نہیں فرمائیں گے کتنی بڑی بات ہے جس دن ہر انسان کو ہر ایمان والے کو ان تینوں چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی کہ اللہ کی نظر رحمت ہو جائے اللہ ہماری گناہ کو معاف کر دیں اور اللہ ہم سے محبت کی گفتگو فرمائیں اس دن بندہ سب سے زیادہ محتاج ہوگا لیکن اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ کوئی محبت کا اور نظر رحمت کا معاملہ نہیں کرے گا
हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मजलिस में थे, बड़ी हैरत से उन्होंने पूछा, ख़ाबू व ख़सिरू, वो इंसान बड़े नुकसान में है और बड़ा जलील है, ऐ अल्लाह के पैगंबर ज़रा हमें बता दीजिए, मन हूँ या रसूल अल्लाह, वो बदकिस्मत लोग कौन होंगे जो मैदान महशर में अल्लाह की इन रहमतों से महरूम होंगे, वो होंगे कौन लोग। अल्लाह के पैगंबर ने तीन बातें बड़े मुख्तसर में बयान की, बस वही मुझे बयान करना है। फरमाया, अल मुसबिलु इजारहू, एक वो लोग जो पैजामा तहबन या पैंट पहनते हैं टखनों के नीचे लटका करके, तफसील मैं बाद में करूंगा, मैं तर्जमा पहले कर दूं। एक वो है जो अपने तहबन को जमीन के बराबर कर देते हैं या टखने घुट्टी के नीचे लटका कर पहनने वाले हैं। दूसरे अलमन्नानु, वो लोग जो किसी ज़रूरत पर किसी के काम आ जाएं, किसी पर एहसान कर दें और बाद में अपने एहसान को जतलाएं, चार आदमी को बतलाएं, यानी एहसान करके एहसान जतलाने वाला। और तीसरे आपने फरमाया, वो लोग हैं जो झूठ बोलकर और झूठी कसमें खाकर अपने कारोबार को चमकाते हैं, अपना माल बेचते हैं। ये वो तीन बदकिस्मत जमात होगी जो अल्लाह की नजर रहमत, कलाम शफकत और माफी गुनाह से महरूम होगी मैदान महशर में। अब जरा गौर कीजिए कि क़यामत का दिन कैसा हौलनाक मंजर होगा। क़ुरान में और हदीस में उस दिन के मंजर को बयान किया गया। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, या अय्युहन नास तक़ू रब्बकुम इन ज़लज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम, अरे लोगों अल्लाह से डरो, खूब डरो, क़यामत का ज़लज़ला और क़यामत का मंजर बहुत ही ख़तरनाक होगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, ऐसा नफ्सी नफ्सी का आलम होगा कि दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को अपने सीने से हटा देगी, यानी बच्चा पटप तड़पेगा लेकिन माँ के अंदर से बच्चे की शफकत और मोहब्बत खत्म हो जाएगी, इसलिए कि अब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। وَتَزَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, और ऐसा ख़तरनाक मंजर होगा कि अगर माँ की पेट में बच्चा है तो वक्त से पहले वो जन्म देगी। وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, और ऐ लोगों ऐसा मंजर होगा कि तुम देखोगे कि लोग एक दूसरे पर गिरे जा रहे हैं, एक दूसरे पर लूके जा रहे हैं, जैसे कोई आदमी नशे में डूबा हुआ हो और उसे अपने पांव की ताकत पर भरोसा ना हो, कभी इधर पड़ा है कभी उधर पड़ा है। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम देखोगे कि लोग नशे में एक दूसरे पर गिरे पड़ रहे हैं, वमा हुम बिसुकारा, हालांकि उनके ऊपर कोई नशा नहीं होगा, वो नशे में नहीं होंगे, लेकिन फिर ऐसा क्यों होगा। वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, इसलिए कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा ज़बरदस्त है। ये क़यामत का मंजर है, नफ्सी नफ्सी का आलम। हर इंसान, आम इन आदमी को छोड़ो, आम ईमान वाले को छोड़ो,
बड़े से बड़ा वली, बड़े से बड़ा नबी और रसूल भी डर रहा होगा, कांप रहा होगा, ऐसा मंजर होगा। जिस दिन हमें अल्लाह की रहमत की जरूरत सबसे ज्यादा होगी कि अल्लाह नज़रे करम फरमा दे, ऐसा मजमा होगा कि कोई भी इंसान अल्लाह की नज़र से बच नहीं सकता। यहां अगर बड़ा मजमा हो जाए तो सामने का नजर आता है, पीछे के लोग नजर नहीं आते, हम नहीं देख पाते, हमारी आंख में वो ताकत नहीं है, हम अपनी आवाज को बड़े मजमे में आखिर तक पहुंचा नहीं सकते, हमारी आवाज में वो ताकत नहीं। लेकिन अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कि इतना बड़ा मजमा होगा और शुरू से आखिर तक कोई इंसान अल्लाह की नजर से बच नहीं सकता। वो चाहे कि छुप जाए, बच जाए, बच नहीं सकता, अल्लाह की नजर सब पर एक तरह की होगी, ऐसा मंजर होगा। तो उस दिन अल्लाह ताला तीन बदकिस्मत लोग ऐसे होंगे कि उनके साथ मोहब्बत और रहम का मामला नहीं होगा। पहला क्या, ला युकल्लिमुहुमुल्लाह, अल्लाह उनसे गुफ्तगु नहीं फरमाएंगे। क्या मतलब, यानी अल्लाह को गुफ्तगु फरमाएंगे सबसे, अल्लाह अपने तमाम बंदों का हिसाब लेंगे, और हिसाब लेंगे तो अल्लाह बासपुरस करेंगे, पूछेंगे, तो गुफ्तगु तो सबके साथ होगी। लेकिन गुफ्तगु दो तरह की होती है, एक है कलाम जिसे गुफ्तगु कहते हैं, एक कलाम वो है जिसे कलाम शफकत कहते हैं। जैसे आदमी अपने दोस्त से, अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने चाहने वालों से भी बात करता है तो कितने प्यार से बात करता है, कितनी मोहब्बत से बात करता है, तो वो भी एक गुफ्तगु का अंदाज है। और एक गुफ्तगु वो है जिसको कलाम गजब कहते हैं, गुस्से की गुफ्तगु, आदमी अपने दुश्मन से, अपने मुखालिफ से भी गुफ्तगु करता है लेकिन उसकी गुफ्तगु का अंदाज दूसरा होता है, उसमें शफकत नहीं होती, मुरव्वत नहीं होती, उसमें गुस्सा होता है, नाराजगी होती है। तो अल्लाह का कलाम तो सबके साथ होगा मैदान माशर में, लेकिन अल्लाह का कलाम रहमत और मोहब्बत की गुफ्तगू अल्लाह की होगी नेक और अच्छे लोगों के साथ, और जो अल्लाह के नाफरमान, अल्लाह के बागी हैं, मुजरिम हैं, अल्लाह उनसे भी गुफ्तगु फरमाएगा, लेकिन वो गुफ्तगु ऐसी होगी जैसे कि पुलिस का ओहदेदार एक डाकू और मुजरिम से गुफ्तगु करता है, गुस्से के साथ गुफ्तगु करता है, नाराजगी के साथ गुफ्तगु करता है। तो अल्लाह का कलाम दो तरह का है, एक है कलाम शफकत और एक है कलाम गजब। तो अल्लाह गुफ्तगु नहीं फरमाएंगे, यानी कलाम रहमत और मोहब्बत की गुफ्तगु नहीं फरमाएंगे, अल्लाह का गुस्सा होगा, अल्लाह की नाराजगी होगी ऐसे लोगों के साथ। ला युकल्लिमुहुमुल्लाह का मतलब यह है, वला यनज़ुरु इलैहिम, अल्लाह उनकी तरफ नजर नहीं उठाएंगे कयामत के दिन, उन बदकिस्मत लोगों की तरफ अल्लाह की नजर नहीं होगी। हालांकि अभी मैंने बताया कि अल्लाह की नजर सब पर होगी, अल्लाह की नजर से कोई बच नहीं सकेगा। तो यहां भी वही बात है कि नजर की दो किस्म है, एक है नजर रहमत और एक है नजर गजब। आदमी अपनी माँ को भी देखता है, अपने बाप को भी देखता है, अपनी बीवी की तरफ भी नजर करता है, अपने बच्चों की तरफ भी नजर करता है, लेकिन उस नजर के अंदर अजमत होती है, उस नज़र के अंदर मोहब्बत होती है, उस नज़र के अंदर अदब और लिहाज और प्यार होता है, और फिर उसी नज़र की बुनियाद पर आदमी एक दूसरे के करीब भी बन जाता है। लोग कहते हैं कि भाई उसकी नज़र में बड़ी कशिश है, तो अल्लाह उन पर नज़र नहीं फरमाएंगे, मतलब इसका यह है कि अल्लाह के रहमत की नज़र उनके ऊपर नहीं होगी, अल्लाह देखेंगे उन मुजरिमों को लेकिन गुस्से के साथ, नाराजगी के साथ, अपने
गजब के साथ अल्लाह ताला उनको देखेंगे और उनसे बासपुरस फरमाएंगे। वला युज़क्कीहिम, अब तीसरी बात अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उन बदकिस्मतों को अल्लाह उनकी गुनाह से पाक नहीं फरमाएंगे। अल्लाह की ज़ात मालिकुल मुल्क है, वो तमाम बादशाहों के बादशाह हैं, वो चाहे तो बड़े से बड़े गुनाहगार और मुजरिम को माफ़ फरमा दें और अगर चाहे तो बड़े से बड़े पारसा और मुत्तकी और वली को गिरफ्त में ले लें, उन्हें पकड़ लें। अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ मामला अजीब गरीब होगा। अल्लाह की कुदरत तो सब है, अल्लाह सब कर सकती है। बड़े बड़े वलियों को उठाकर जहन्नम में डाल दिया जाए और बड़े बड़े मुजरिम जो है जन्नत में पहुंच जाए, अल्लाह की शान सब कुछ है। उनका हाथ कोई पकड़ने वाला नहीं कि पूछने वाला नहीं कि आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि हम ऐसे लोगों को उनके गुनाह की माफी नहीं देंगे। वला युज़क्कीहिम, उन्हें पाक नहीं करेंगे यानी उनके गुनाह को माफ नहीं करेंगे। हालांकि हम गफ्फार हैं, हम रहमान हैं, हम सत्तार हैं। बड़े से बड़े खताओं और गुनाहगारों के गुनाह को माफ करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, हम जो चाहे कर सकते हैं। और उस दिन बंदा मेरी रहमत का सबसे ज्यादा मोहताज होगा, लेकिन हम उसे उसको पाक नहीं करेंगे, उसे माफ नहीं करेंगे। उनके लिए बड़ा दर्दनाक अजाब होगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तकरीर को, इस बात को सुनकर सहाबा कांप उठे और उस मजमे से हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिम्मत करके गुफ्तगू की। खाबू व खसिरू मन हुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पैगंबर, वो कौन बदकिस्मत होगा, बर्बाद होगा, खसारे में होगा, वो कौन है, ज़रा हमें बता तो दीजिए, हम जान तो जाएं। और अगर खुदा न खास्ता वो ऐब और वो बुराई हमारे अंदर है तो हम अपने उस ऐब को अपने से दूर तो कर दें, हम तौबा कर लें। आप बता तो दीजिए कि ये कौन बदकिस्मत होंगे। आपने तीन किस्म के लोगों की निशानदेही फरमा दी। हदीस का तर्जमा तो मैं पहले कर चुका था। तीन किस्म के लोगों की निशानदेही फरमाई। सबसे पहली बात जो आपने फरमाई, अल मुसबिलु इज़ा रहू, ये बदकिस्मत और महरूम वो लोग होंगे जो अपने लिबास में सुन्नत का लिहाज नहीं रखेंगे। गौर से सुनो मेरी बात, अपने लिबास में सुन्नत का लिहाज नहीं रखेंगे। अब सुन्नती लिबास क्या है? सुन्नत का लिबास से कम से मुराद ये है कि अगर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी लिबास के बारे में कोई वजाहत कर दी है कि ऐसा होना चाहिए तो वो तो हमें मालूम है, मैं बताऊंगा अभी। और जहां लिबास के सिलसिले में अल्लाह के नबी की तरफ से कोई तशरीह और वजाहत नहीं है तो सुन्नत का लिबास वो माना जाएगा जो अल्लाह वालों का लिबास होता है, जो अल्लाह के नेक लोगों का लिबास है, वो जो पहने बस समझ लो कि वही सुन्नती लिबास है। तो आपने फरमाया कि जो सुन्नत के खिलाफ लिबास पहनने वाले, असुन्नत के खिलाफ लिबास में तहबन और पैजामे की हदीस में वजाहत आई है, ऊपर के लिबास की कोई वजाहत नहीं है। तहबन और पैजामा या जो लोग मजबूरन पैंट भी पहनते हैं, अगरचे बचना चाहिए लेकिन पहन सकते हैं हालात अगर ऐसे हों तो उस सिलसिले में हुजूर पाक के अलैहिस्सलाम की तशरीह है कि जो आदमी तहबन पहने
तो तैबन का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आधी पिंडली ऊंची होनी चाहिए, यानी इतना खुला होना चाहिए आधी पिंडली। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तैबन इतना ऊंचा होता था। किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर इसमें कुछ गुंजाइश हो तो बता दीजिए। तो आपने फरमाया कि उससे कुछ नीचा कर लो। फिर पूछा कि या रसूल अल्लाह, और कोई गुंजाइश हो तो मुझे बता दीजिए। आपने फरमाया कि और नीचा कर लो। और उस वक्त आपने फरमाया कि नीचा तो करो, लेकिन इतना नीचा मत कर लेना कि ये घुट्टी खुली हुई होनी चाहिए, इतना होना चाहिए, यानी ये उभरी हुई घुट्टी जिसे आप बोलते हैं, जिसे उर्दू में हम टखना बोलते हैं, ये खुला होना चाहिए। ये हुजूर की वजाहत और आपकी सराहत है। चाहे आप पैजामा पहनते हो, चाहे आप तहबन बांधते हो, चाहे धोती पहनते हो, इसलिए कि किसी जमाने में मुसलमान भी धोती पहनता था, उस दौर का वही पोशाक था, कोई ऐब की बात भी नहीं थी। मैंने अपने बचपने में कुछ बूढ़ों को अपने मोहल्ले में धोती पहनते हुए देखा है। एक जमाना वो था धोती पहना करते थे, कोई हर्ज की बात नहीं। या पैंट पहने हो, लेकिन इस बात का लिहाज रहे कि ये घुट्टी छुपने न पाए, इसलिए कि घुट्टी को छुपाने वाला, अपने लुंगी तहबन और पैजामे को लटकाने वाला अल्लाह के की उस वाईद का हकदार हो जाएगा जो मैंने अभी बयान किया। अल मुसबिलु इजारहू, अपने तहबन को लटकाने वाला। एक बात मैं दरमियान में अर्ज कर दूं कि हदीस में जहां भी हुजूर के लिबास या सहाबा के लिबास का जिक्र आया है, वहां तहबन ही का जिक्र आया है, पैजामे का कहीं तस्करा नहीं। सहाबा और हुजूर तहबन ही पहना करते थे हमेशा, और वो तहबन कभी सिला होता था, कभी बगैर सिला होता था, जैसे आप इहराम की चादर लपेटते हो, यही हुजूर के जमाने का लिबास था। अगरचे आपने पैजामे को पसंद फरमाया है, किसी वक्त में किसी ने शायद पूछा था हुजूर से, तो आपने फरमाया कि हाँ पैजामा भी अच्छी चीज़ है, इसलिए कि उसमें सतर अच्छी तरह छुप जाता, लेकिन हुजूर ने हमेशा तहबन पहना, सहाबा ने तहबन पहना है, नीचे भी एक चादर लपेटते थे, ऊपर भी एक चादर होती थी, ये सिला हुआ कुर्ता ऐसा बहुत कम पहना है हुजूर ने। बहरहाल ये दरमियानी बात थी, ये कोई बड़ा मसला नहीं है कि अब हम भी चादर ओढ़ के चलें, ये नहीं है। बस ये है कि तहबन और पैजामे के सिलसिले में घुट्टी खुली होनी चाहिए, ढकनी नहीं चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के जो कुरैश मक्का थे, जो सरदार थे, जो अपने को बहुत बड़ा समझते थे, तो उनके कल्चर में ये थी बात कि जिनका तहबन जितना नीचा होगा वो उतना बड़ा माना जाता था। यानी सरदार हैं तो अपने अब इस तरह से पहनेंगे कि जब चल रहे तो रास्ते में झाड़ू देते हुए चले उनके तहबन, ये उनका कल्चर था। हुजूर ने फरमाया सहाबा से, गलत है, ये लुंगी तहबन को नीचा करना ये तकब्बुर की निशानी है, ये बड़ाई की निशानी है, और अल्लाह तकब्बुर करने वाले को कभी पसंद नहीं फरमाते। इसलिए आका ने फरमाया कि देखो अपने तहबन को ऊंचा रखा करो। एक बात और समझ लो, इस्लाम का कितना बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, हम जैसों के ऊपर जो गाफिल लोग हैं। एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही गुफ्तगु फरमाई कि जो लोग घुट्टी के नीचे पैजामा और तहबन पहनते हैं, ये अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक हैं क़यामत के दिन, अल्लाह इन्हें पसंद नहीं फरमाएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। सिद्दीक अकबर का जिस्म ज़रा भारी था, पेट बढ़ा हुआ था, गौर कीजिए कितना एहसान है उनका, हुजूर से एक एक मसला पूछ के उन्होंने हमारे लिए रास्ता निकाल दिया, अगर वो न पूछते तो हमें पता भी ना चलता। उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरा जिस्म भारी है, मेरा पेट बड़ा है, कभी कभी मेरा तहबन सरक जाता है पेट से और नीचे लटक जाता है घुटने के नीचे। हुजूर ने फरमाया
तो उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह, तो मेरे लिए भी यही वाइद और यही गुनाह? हुजूर ने फरमाया कि लस्त मिनहुम, अबू बकर तुम नहीं उसमें हो। कितना बड़ा एहसान है हुजूर का। हुजूर ने फरमाया कि नहीं नहीं अबू बकर तुम डरो मत, तुम उसमें नहीं हो। अब उलमा ने इसका मतलब निकाला कि इसका मतलब ये हुआ कि जो अपनी बड़ाई को और अपने नखरे को और अपने रईसी को जाहिर करने के लिए लटकाते हैं और नीचा पहनते हैं वो मुजरिम हैं, और जो कभी बेख्याली में तहबन सड़क गया या बड़ा पेट होने की वजह से नीचे उतर गया वो उसके मुजरिम नहीं हैं, अल्लाह के यहाँ उनकी पकड़ नहीं होगी। कितना बड़ा एहसान है। अगर सिद्दीक अकबर ये मसला न पूछते तो हमें ये मसला मालूम भी ना होता। मालूम ये हुआ कि बेख्याली में अगर नीचा हो जाए तो वह गलत चीज़ है, और जान के कि ना मैं क्यों ऊंचा पहनूं, मैं तो नेता हूं, मैं तो फला हूं, मैं तो ढका हूं, मेरी बड़ाई है। आज फैशन है, आप निकल के देखिए कि बिल्कुल कड़क पैजामा एड़ी के नीचे दब रहा है और कुर्ता पहने हुए हैं, अब लाड साहब हैं क्या भाई, बहुत बड़े नेता हैं। आज एक फैशन बन गया, वो मुजरिम है हुजूर के इस हदीस के मुताबिक। अल्लाह के पैगंबर की तालीम पर अमल करने में जो इज्जत है वो इज्जत इसमें नहीं है कि हम अब झूठी शान शौकत दिखाएं। कुछ लोग तफरीहन कहते हैं अपने भाइयों में से, मैंने सुना है, गलत है ये बात, बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों की जुबान से मैंने सुना, क्या कहते हैं, ये हैं बड़े भाई का पैजामा बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा, ये एक जुमला है आज हमारी जुबान पर। जो बेचारा सीधा साधा, जो आधी पिंडली तक पांव खोल के पैजामा ऊंचा पहन लेता है, अब कुर्ता ऐसा पहनता है कि घुटना ढक जाए, थोड़ा लंबा हो जाए, तो कहते हैं कि ये देखो बड़े भाई का कुर्ता पहन लिया, छोटे भाई का पैजामा पहन लिया, ये मजाक उड़ाते हो। ये अल्लाह को ये जुमला बहुत नापसंद है। तुम वैसा नहीं पहन सकते मत पहनो, लेकिन उसका मजाक तो मत उड़ाओ, आवाजें तो न कसो। अल्लाह को ये चीज़ नहायत नापसंद है। और आज आम कुछ लोग हैं जो इस तरह बातों बातों में ये कह देते हैं कि कुछ लोग वो हैं जो ऐसा कपड़ा पहनते हैं। अरे भाई, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही सुन्नत है। आपने इसी कपड़े को पसंद किया और ढीला ढाला होता था, सुन्नती लिबास बदन पे चुस्त और फिट नहीं होता था। आज तो ये भी एक मुसीबत आ गई कि टेलर के यहाँ जाके अपने सीने से लेके कमर तक का ऐसा नाप देते हैं कि बिल्कुल फिट हो जाए, एक स्टैचू बन जाए। ऐसा लिबास, ये लिबास इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। ढीला हो, मुलायम हो, आस्तीन आराम से चढ़ सके। और अल्लाह ने हमें कौन सा दिन दिखा दिया कि आज ये बीमारी मर्दों से ज़्यादा नौजवान औरतों के अंदर आ गई, जबकि उनके लिए तो बड़ी ताकीद है कि मोटा कपड़ा पहनो, ढीला कपड़ा पहनो, बदन के अंदर के नुकूश नजर ना आए ऐसा। लेकिन आज औरतें इस मामले में हमसे भी आगे, मर्दों से भी आगे हैं। ढीला लिबास, चुस्त लिबास पहनने का एक शौक बना हुआ है मर्दों के अंदर भी कि ज़रा फिट फाट हो, ये सुन्नती लिबास नहीं है, इससे बचना चाहिए। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था, अल मुसबिल इज़ा रहू, जो लोग अपने तहबन को अपने पैजामे को टखने के नीचे उतारते हैं पहनते, इसीलिए आप देखते हैं कभी कभी मैं जुमे के दिन कह देता हूँ कि ज़रा तहबन ऊंचे कर लो, टखना खोल लो, मकसद यही होता है कि सुन्नत के मुताबिक हमारा लिबास हो जाए। हुजूर को यही पसंद था। और अगर उस हालत में नमाज पढ़ोगे कि पैजामा लटका हुआ है, पैंट नीचे लटकी हुई है, तहबन लटका हुआ है, याद रखो नमाज हो जाएगी, नमाज का सवाब मिल जाएगा, लेकिन लटकाने का सवाब, लटकाने का गुनाह नमाज पढ़ते हुए भी होता रहेगा।
उस हालत में नमाज पढ़ रहा है, नमाज हो जाएगी। कोई मुफ्ती ये नहीं कहेगा कि आपकी नमाज नहीं हुई इसलिए कि आपका पैजामा लटका हुआ था, नमाज हो जाएगी। तो नमाज का सवाब तो पालोगे, लेकिन नीचे लटके हुए तहबन और पैजामे का गुनाह नमाज जैसी अहम इबादत के वक्त भी तुम्हें मिलता रहेगा और तुम गुनाहगार में शुमार होते रहोगे। इसलिए इससे परहेज करें। कौन क्या सोचता है, कौन क्या करता है, कौन सा फैशन है, लात मारो ऐसे फैशन को, लाहौल पढ़ो ऐसे फैशन पर। हम तुम ये देखो कि मेरे नबी की अदाएं क्या थी, उनकी पोशाक क्या थी, नबी के चाहने और नबी पर जान निछावर करने वाले सहाबा की पहचान और उनका अंदाज और उनका लिबास कैसा था, इसका लिहाज रहे। अल मुसबिलु इजा रहू। और दूसरी किस्म, वक्त मेरा तकरीबन हो चला है, अब मैं सिर्फ तर्जमा करके छोड़ दूंगा दो मिनट के अंदर। अल मन्नान। मन्नान अरबी में इसका तर्जमा आता है बहुत ज्यादा एहसान जतलाने वाला। मन्नान अल्लाह की सिफत है, इसीलिए अल्लाह की सिफत पर अपने नाम लोग रखते हैं अब्दुल मन्नान, मन्नान का बेटा या अरमन्नान का बंदा, अल्लाह का बंदा। तो मन्नान अल्लाह की सिफत है। मन्नान का मतलब बहुत ज़्यादा एहसान करने वाला। ये चीज़ सिवाय खुदा के किसी बंदे को जेब नहीं देती कि अल्लाह के किसी के साथ एहसान करके एहसान जताए। अल्लाह को हक है, उसने इनाम इकराम की बारिश की है मेरे ऊपर, हमें दुनिया में नवाजा है। अल्लाह को हक है कि एहसान जाहिर करे, जाहिर किया भी है। लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है ईमान वालों पर कि अल्लाह ने उनके दरमियान में एक नबी भेज दिया। लेकिन अल्लाह के अलावा किसी पर यह जायज नहीं कि एहसान करे, एहसान जताए। आज हमसे तो कुछ होता नहीं, हम किसी पर कोई एहसान तो करते नहीं, और अगर कभी किसी के आड़े वक्त में परेशानी में काम आ जाते हैं तो फिर कुछ दिन के बाद कहते हैं कि कितना बड़ा एहसान फरामोश है, हमने इसके ऊपर इतना बड़ा एहसान किया था, हमने इसको कपड़ा दिया, हमने इसको पैसा दिया, हमने फलां किया और ढका किया। 10 आदमी के सामने एहसान करता है, एहसान को कर जतलाता है, यानी अपने किए हुए नेकी पर पानी डाल देता, नेकी बर्बाद कर देता है। अल्लाह का नबी फरमाता है कि एहसान करके एहसान जतलाने वाला अल्लाह की पकड़ का मुस्तहिक है। तुम एहसान न जतलाते, ये एहसान न करते, ये ज्यादा अच्छा था इस बात से कि तुमने एहसान किया और फिर उस बंदे को तुम जलील कर रहे हो कि हमने तुम्हारे साथ ये किया, तुम्हारे साथ ये किया, और अपनी वाहवाही लूटना चाहते हो। अल्लाह को ये अदा इंतहाई नापसंद है। अब तीसरी चीज़ आपने फरमाया, झूठी कस्में खा खा कर अपनी तिजारत को बढ़ाना, अपने माल को बेचना, ये भी बहुत बड़ा मर्ज है। इंशाअल्लाह मैं कभी इसकी वजाहत करूँगा। अल्लाह हमें इस हदीस पाक पर 100% अमल की तौफीक अता फरमाए और इन गुनाह से हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।